रक्षाबंधन भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्योहार भाई बहनों के बीच के बंधन का सम्मान करता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। जैविक संबंधों से परे ये उत्सव पूरे समुदाय तक फैला हुआ है, जो वैश्विक एकता वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। एक पारंपरिक हिंदू त्योहार रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो भारत में बहुत महत्व रखता है। यह त्योहार भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ ही सुरक्षा का बंधन है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने की कसम खाता है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है और सदियों से मनाया जाता रहा है। यह परिवार प्रेम और एकता के मूल्यों को दर्शाता है। यह त्योहार रिश्तों के महत्व पर जोर देता है। रक्षाबंधन का त्योहार न केवल पारंपरिक रूप से जैविक भाइयों और बहनों के बीच के बंधन पर केंद्रित है, बल्कि यह त्योहार विभिन्न रिश्तों का जश्न मनाने के लिए विकसित हुआ है। इसे चचेरे भाई बहनों और दोस्तों के बीच भी देखा जा सकता है, और यहाँ तक कि उन लोगों के बीच सद्भावना के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है, जो व्यापक अर्थ में एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। भले ही भाई बहन भौगोलिक रूप से दूर हों, वे अक्सर इस दिन जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह एकता का प्रतीक बन गया है, जो लोगों को रिश्तों के महत्व और प्यार और सुरक्षा के साझा मूल्यों की याद दिलाता है। कुल मिलाकर रक्षाबंधन एक हृदय स्पर्शी उत्सव है, जो रिश्तों के महत्व पर जोर देता है, विशेष रूप से भाई बहनों के बीच के बंधन पर, और प्यार देखभाल और सुरक्षा के मूल्यों को बढ़ावा देता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 2023 में 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां युद्ध से पहले रक्षा सूत्र या ताबीज बांधने की प्रथा देखी गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जो भाई बहनों के बीच के बंधन के महत्व को दर्शाती हैं। ये कहानियां सुरक्षा, प्रेम और कर्तव्य के विषयों पर प्रकाश डालती हैं, जो रक्षाबंधन के विचार के केंद्र में हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।